क्योंकि दुकान के अंदर तो क्राउड है नहीं, दुकानदारी एक एवरेज रह गई है जी। आप और भी दुकानों पे चेक करो, काम एक एवरेज काम रह गया। नहीं, 10 में से बहुत मुश्किल में एक पीस बिक पाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज में। आज मैं दिवाली के उपलक्ष्य में आपको ढेरों शुभकामनाएं तो दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि जनता की बात अभी हमने की थी, अब चलते हैं उन बड़ी दुकानों की तरफ जिनकी मार्केटिंग का हाल क्या है, आखिर उनकी कमाई कैसे हो रही है, सामान की बिक्री हो रही है या नहीं भी हो रही है। त्यौहार का सीज़न है, ये खूबसूरत आप शॉप देख सकते हैं कि कितने स्टैचू पे इतने अनारकली सूट लगे हुए हैं, कुछ शानदार ड्रेसेस हैं, मगर यहाँ पर जो अभी मैं देख पा रही हूँ दुकान में इक्का दुक्का लोग ही हैं, और शायद ये बेचने वाले भैया ही हैं जो पीस दिखा रहे हैं ना भैया शॉप। हाँ, तो ये देखिए अभी इस शॉप में मैंने एंटर किया है, काफ़ी कुर्तीज़ हैं, साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ी है, सिल्क है, काफ़ी खूबसूरत है। दिवाली की रौनक इस शॉप में दिख रही है, लेकिन मार्केट में जो रौनक थी वो सिर्फ भीड़ की रौनक है। अभी इनसे ही बात कर लेते। क्या नाम है सर आप? संजय। संजय जी, यहाँ पर दुकान में आपका माल काफी अच्छा खासा मेरे को लग रहा है, आपने दिवाली के उपलक्ष्य में ला दिया है जी। लेकिन जो लोग हैं खरीदारी के लिए आ पा रहे हैं उतने? नहीं, उतने तो नहीं आ पा रहे जितनी हम लोगों ने तैयारी करी है, लेकिन मार्केट में भीड़ बहुत है। भीड़ से दुकानदारी का कोई मतलब नहीं बन रहा अभी, सिर्फ रश किस लिए आ रहा है, क्या देखने आ रहा है, ये जानना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि दुकान के अंदर तो क्राउड है नहीं, दुकानदारी एक एवरेज रह गई है, दुकान में जितनी तैयारी है उतना कस्टमर नहीं आ रहा जैसे पहले कोरोना से पहले आता था, तो उम्मीद से बैठे थे लेकिन वो उम्मीद हमारी सफल तो नहीं हुई है। अच्छा, जो भी पीस अगर बिका भी है, जैसे अभी मैं इसी साड़ी का पूछ लेती हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, सिल्क बना? सिल्क साड़ी है। हाँ, सिल्क, तो इसका पहले जो प्राइस था वो अभी तो हम इन पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारी दुकानदारी बढ़ सके, चाहे मार्जिन हमारे को प्रॉफिट हमारे को कम मिले, लेकिन हमारा सेल टारगेट एक होता है वो पूरा हो जाए, स्टाफ के खर्चे निकलें। लेकिन बस अभी उम्मीद से ही बैठे हैं कि कस्टमर चलेगा, अपने पुराने कस्टमर्स को भी हमने ऑफर करे हैं, उनको व्हाट्सएप भी करते हैं। कल ही आने वाली है, यहाँ पे अच्छी खासी रौनक दिख रही है लेकिन भीड़ नहीं। जी जी, आप और भी दुकानों पर चेक करो, काम एक एवरेज काम रह गया। अच्छा, ये जो सेलिंग का जो आप करते हैं, हर पीस का आपको पता ही होगा, हर पीस आप बेचते हैं, तो पहले बढ़ोतरी मतलब थी या फिर अब घटा के बेच रहे हैं, या आपको भी घाटा हो रहा है, या फिर अभी उस पे दाम? और अभी हमने दिवाली के लिए एक ऑफर निकाला था, लेकिन उसमें ऑफर में भी हम इतना नहीं निकाल पाए जितना उम्मीद थी हमें, क्योंकि कस्टमर आएगा तो लेगा। तो ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत यहाँ पर आप सामान देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत साड़ियाँ हैं, सिल्क बनारस भी है, खूबसूरत जड़ी हुई साड़ियाँ भी हैं, नेट की साड़ी भी है, जो कि लड़कियाँ और औरतें लेडीज़ जो है पसंद करती हैं, मगर ये वर्क सिर्फ दुकान के अंदर ही सामान सजावट का दिख रहा है, लेकिन यहाँ कस्टमर्स नहीं हैं। तो भैया, आप यहाँ शॉपिंग काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, काम करते हैं। अभी आप दिखाते होंगे पीस, कोई भी जैसा बोलता होगा। हाँ, तो जितने पीस आप 10 पीस निकालते होंगे, उनमें से 10 में से क्या 5 बिक पाते हैं? नहीं, तो 5 में से 10 में से एक पीस कहीं बिक पाता है? कहीं बिक पाता है? नहीं बिक पाता है। यानी 10 में से एक भी नहीं बिक पाता है? नहीं, 10 में से बहुत मुश्किल में एक पीस बिक पाता है। 50 पीस दिखाते हैं, उसमें से मुश्किल 2 या 4 पीस बिक पाता है और नहीं बिक पाता है। तो ये अभी मतलब दिवाली के लिए शॉपिंग तो लोग जो है महीने से शुरू कर देते हैं, पूरा एक महीने से, तो महीने भर में अभी तक कुछ सेलिंग हुई है? अभी तक पहले ऐसी सेलिंग नहीं रह गई, सेलिंग बहुत कम हो रही है अभी, बहुत कम हो रही है। हाँ जी, पहले ऐसा काम नहीं रह गया। तो ये देखिए, ये तो हालात हैं इस शॉप जो है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग करने आते हैं लोग शॉप्स में, तो इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, पीस निकलते हैं, दिखाते हैं, लोग हाथ रखते हैं, पूछते हैं और प्राइस सुन के निकल जाते हैं। तो ये तो हालात है ऐसी शॉप्स की मैं बता रही हूँ। अभी तो हमने जो है यहाँ की जनता की ओपिनियन जानी थी कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ तो दिख रही है लेकिन खरीदारी हो ही नहीं पा रही है। तो ये अभी थी कपड़े की शॉप, जिसमें आपको मैंने कुर्तीज़ दिखाई, ऐसा ही एक और शोरूम ऐसे ही है, शूज़ का है, ये शायद स्टाइलिश शूज़ है, वो लिबर्टी था, ब्रांड था, जिसमें कोई गुस्सा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक लोकल शॉप लग रही है मुझे,
कोई ब्रांड की नहीं है, क्योंकि इधर स्टाइलिश शूज भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भैया, अभी तक कितने कस्टमर आए हैं? त्योहार का सीजन है, अच्छी खासी बिक्री हुई है? कुछ चल रही है, दुकानदारी चल ही रही है, पूरे सुबह से ही चल रही है। नहीं मतलब पहले से डाउन है कस्टमर्स या बहुत अच्छे से और आ रही है, बिक्री हो रही है? कस्टमर तो आ ही रहे, सुबह से चालू है। अच्छा कस्टमर आ रहे तो खरीदारी भी हो रही है? और हो ही रही है मैम सुबह से। हाँ अच्छा, ये आपका कोई ब्रांड शूज नहीं है ना? नहीं नॉन ब्रांड। नॉन ब्रांड है मगर लिबर्टी। तो ये देखिए ये हाल है, लिबर्टी एक ब्रांड है जहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है, और ये स्टाइलिश शूज़ जो आपको दिख रहे हैं जो आज की जनरेशन पहनना पसंद करती है, तो यहाँ पर वो कस्टमर्स तो आ रहे हैं क्योंकि उनको डाउन सही जो रेट है वो सही मिल जा रहा होगा, डाउन भी जा रहा होगा, लेकिन लिबर्टी का अपना ब्रांड है तो उसका एक अपना रहता है। तो ये तो हाल है बड़ी शॉप्स का, जो अभी मैं बता रही हूँ कि लगभग उनमें कस्टमर्स इसी तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पीस खुलवा रहे हैं, लेकिन खरीदारी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी है कि लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कैमरा देख कर के तो कुछ लोग भाग जा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, कैमरा पे उन्हें लगता है कि जाने क्या पूछ लेंगे। लेकिन ये देखिए कि आम जनता का जो दर्द है वो निकल के सामने आया। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिनसे बात की थी तो वो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ दिख रही है, हाथ रख रहे हैं, सामान देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसकी ऊपर नीचे परख कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी हो नहीं पा रही है। कुछ लोग हैं खरीद ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी एंटर की है तो अभी कुछ खरीदते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और बाकी लोग इसी तरीके से जो है मार्केट जो है ना वो त्यौहार के दिन जो होना चाहिए एक्चुअल में वो है नहीं, डाउन ही है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, सरोजनी नगर, दिल्ली।